जहां एक तरफ पाकिस्तान में बर्बादी का आलम है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब को लंदन की सड़कों पर घूमते और कॉफी शॉप में कॉफी पीते हुए देखा गया, जिसके बाद लंदन में उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान में बाढ़ आई जो काफी सुर्खियों में रही। इसके अलावा पाकिस्तान आर्थिक मंदी से भी जूझ रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में मरियम का ऐसे घूमना यकीनन लंदन में रहने वाले पाकिस्तानियों को रास नहीं आया, क्योंकि उस कॉफी शॉप के बाहर ही उन्होंने मरियम को घेर लिया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ये देखा जा रहा है कि प्रवासी पाकिस्तानियों ने मंत्री मरियम को चारों तरफ से घेरा हुआ है। कॉफी शॉप में मौजूद पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही के बीच विदेश यात्रा करने के लिए मंत्री की आलोचना कर रहे थे। मरियम को घेर सभी पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ नारे लगाए और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने उन्हें चोरनी कहकर भी संबोधित किया। जहां एक महिला का कहना है कि मरियम औरंगजेब पाकिस्तान से पैसों को लूट कर लंदन में उड़ा रही हैं, वहीं दूसरी महिला ने कहा कि मरियम पाकिस्तान में टीवी पर बड़े बड़े दावे करती हैं और यहां पर सिर पर दुपट्टा भी नहीं रखती। वहीं दूसरी महिला ने तो उन पर निजी आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि मरियम पाकिस्तान में टीवी पर बड़े दावे करती हैं और यहां पर उन्होंने सिर पर दुपट्टा भी नहीं रखा। हालांकि अपने खिलाफ हो रहे इस विरोध प्रदर्शन पर उस वक्त मरियम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत रहते हुए खुद को अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रखा। साथ ही इस घटना के बाद कुछ पाकिस्तानी सरकार के मंत्री मरियम के बचाव में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि उस समय भी मरियम ने संयम रखकर स्थिति को संभाले रखा और कुछ गलत नहीं कहा। इस पूरी घटना पर अपना दुख जाहिर करते हुए मरियम ने एक ट्वीट किया और बताया कि उन्होंने वहां रुककर विरोध कर रही भीड़ के हर सवाल का जवाब दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए मरियम के शांत और सम्मानजनक प्रतिक्रिया पर गर्व जताया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।